मैं हूँ जुगरू और आप सब देख रहे हैं हमारा चैनल जियो ब्लॉग्स। आज हम फिर से पढ़ने आ गए हैं हिंदी का चैप्टर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। तो कुछ रहते थे ना राजा के महल में, वो बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने की तरकीबें सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। एक ख्वाजा सरा भी था मंत्री अकबर का, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था, बहुत विश्वास था। बीरबल को तो वह अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझता था। जो बीरबल था को ख्वाजा सरा छोटा सा बच्चा समझता था, भी इसे तो कुछ नहीं पता, ये तो ऐसे ही है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं, उसने कहा अपने मानने से ऐसे कुछ तो नहीं हो जाएगा ना, जैसे इसने खुद मान सोच लिया। दरबार में बीरबल की ही उती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी, वह बीरबल को हिंदमुन से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? वो कहते भी अगर वहां पे सिर्फ बीरबल की सुनी जाती जो और किसी की नहीं सुनते थे कोई भी, तो ख्वाजा सरा कहता अगर मेरा बस चलता होता तो वो तो बीरबल को उस देश से ही निकाल देता, इंडिया से ही निकाल देता। एक दिन ख्वाजा अली बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार करके मुश्किल प्रश्न उत्तर सोच लिए। ख्वाजा सरा ने बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आंसर सोच लिए, जिनके वो सोच रहे थे बीरबल इनके आंसर ही नहीं दे पाएगा। और वह लाख कोशिश करके भी संतोष उत्तर नहीं दे पाएगा, वो बहुत कोशिश करेगा बीरबल तो भी ख्वाजा सरा ने सोचा वो आंसर नहीं दे पाएगा उनके। फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, फिर बादशाह जो अकबर वो मान लेंगे भी जो ख्वाजा सरा है उसके सामने बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर कहा, बीरबल बड़े बुद्धिमान बनते हैं, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उसने कहा भी आप उसका दिमाग देख लें कितना है, मैं आपको 3 सवाल बताता हूँ बीरबल से वो पूछ के। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। नकली अकल बहादुर मतलब जैसे वो नकली समझदार बनता है, उसकी कलाई खुल जाएगी मतलब जैसे उसकी वो खुल जाएगी, करतूत का पता लग जाएगा। उसके बाद बीरबल ने कहा, उसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? उन्होंने कहा, बीरबल बोलो, जहाँ पता हुआ जरूर दूंगा, खुशी से पूछो।
ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सदा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र क्या है, संसार की सेंटर क्या है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी जड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान का चारों ओर से दुनिया का के बीच का केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या आकाश में तारे कितने हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, संसार में कितने जने हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ बना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है। सब बंदे अगर हम यहाँ इकट्ठे कर लें तो हम संसार की आबादी पता लगा सकते हैं। बीरबल ने कहा, जो संसार की आबादी है वो जैसे कभी लोग मरते हैं और कभी बहुत बच्चे आते हैं, ऐसे ऐसे संसार की आबादी इतनी है। बीरबल ने कहा, अगर हम सारी दुनिया के बंदों को यहाँ इकट्ठा कर लें तो हम संसार की आबादी पता लगा सकते हैं। बीरबल ने कहा, जनाब संसार की आबादी ये हमने पढ़ लिया ना, इसके बाद इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनके उन्हें गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से स्पष्ट हो गए, लेकिन जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करके दिखाओ तब मैं मानूंगा, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बने। इसके बाद हम करेंगे नोटबुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर और शब्द। हमारा फर्स्ट शब्द अर्थ है बुद्धिमान, ज्ञानी, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयास, मूर्ख, बेवकूफ, विश्वास, भरोसा। प्रश्न होते हैं, बादशाह अकबर के दो मंत्रियों का क्या नाम था। बादशाह अकबर के दो मंत्रियों का नाम ख्वाजा सरा और बीरबल थे। ख्वाजा सरा बीरबल से क्यों जलते थे। ख्वाजा सरा बीरबल से इसलिए जलते थे क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को ख्वाजा सरा से अधिक बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा सरा ने बीरबल से कौन से तीन प्रश्न पूछे थे, संसार की केंद्र क्या है, आसमान में कितने तारे हैं, संसार की आबादी कितनी है। बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री कौन थे, बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल थे। इसके बाद है बुक एक्सरसाइज, तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीन सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोच कर लिखो। पहला प्रश्न क्या था, संसार का केंद्र क्या है। संसार का केंद्र जहाँ भी हम खड़ेंगे, क्योंकि दुनिया गोल है, जहाँ भी हम खड़ेंगे अगर हम सारे को नापते हैं तो वही होगा संसार का केंद्र। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह, सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हम कर सकते हैं,
सेकंड क्वेश्चन था, संसार में तारे कितने हैं? जितने हमारे बाल हैं उतने ही तारे हैं। थर्ड क्या था? थर्ड प्रश्न था, संसार की आबादी कितनी है? ख्वाजा सरा अगर सारे बंदों को यहाँ इकट्ठा कर दें और वो आबादी गिन ले तो उन्हें संसार की आबादी खुद पता चल जाएगी। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हैरान करने के लिए कौन से सवाल पूछते? जैसे पहले मुर्गी आई के अंडा, जैसे ये जो डॉग है उसकी टेल क्यों नहीं सीधी होती, ऐसे ऐसे। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल के देते। अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? जैसे हम गेम खेलना चाहेंगे, शॉपिंग करना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी ऐसी इच्छा। एक मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वह बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। ऊपर दिए हुए बस हर बस का मतलब अलग है, हमें अब चल से बनाना है। चल बहुत चल लिए, चल चल मैं चल चल के थक गया, चला तुम बैठो मैं चला, चले अब हम चले, चलना अब हमें चलना चाहिए, चलती इसी को चलती का नाम गैरी कहते हैं। चलो चलो पढ़ाई करें, बड़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, क्या होगा? कहानी आगे बढ़ाओ, ये आप सबके खुद करने वाला है। खोजो कहानियाँ, बीरबल की चतुराई के किस्सों बहुत मशहूर हैं। तुम ही बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा दुड़ा जिसका वह जवाबों से शब्दों का मुझे बर्बर कर देता है। सेकंड प्रश्न है, बीरबल की तरह बहुत से अंधे विकल हैं, कोई एक का नाम बताओ। तेनालीरामा, जैसे वो भी है ना बीरबल की तरह। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल हो सकता है? खाली जगह में लिखो बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमान का होगा ज्ञानी, अकलमंद। अभिमान का क्या होगा? घमंड। संसार का क्या होगा? दुनिया। मूर्ख का क्या होगा? बेवकूफ। विश्वास का क्या होगा? तनिक। कोशिश का क्या होगा? प्रयत्न। विश्वास का क्या होगा? जैसे हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं वैसे ही। विश्वास का फिर होगा, जैसे हम किसी पर विश्वास करने वो होगा विश्वास। नाक वो सिकोड़ना, यहाँ पे हमें मुहावरे बताने हैं। नाक वो सिकोड़ना, गीता ने सीमा का नाम सुनते ही नाक बो से कोड़ लिया। जब हम अपनी नाक बो ऐसे, इसे कहते हैं नाक बो से कोड़ना। कलाई खुल जाना, कलाई खुल जाना मतलब चोर की करतूत खुलने के बाद चोर वहां से भाग गया, इसका मतलब है कलाई खुल जाना। थैंक यू, इसके बाद हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।